हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, और अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर विटामिन सी है, तो कुछ फैक्ट आपको विटामिन सी से याद कर लेने हैं। पहला तो फैक्ट यह है कि आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम बताइए। तो इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका केमिकल नेम। और इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। और विटामिन सी कहाँ से मिलता, क्या है मिलता कहाँ से है, सोर्स ऑफ विटामिन सी है लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, बेसिकली जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं, थोड़ा खट्टे पदार्थ, उसमें ये हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए, आपको पता है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ए बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, जिसमें से केवल विटामिन बी ही ऐसा है जिसके कई पार्ट हैं, कई प्रकार के हैं। तो जो विटामिन कौन सा है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यह है विटामिन B12। अब B12 है तो कुछ फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। और ये इसकी कमी से जॉइंटिस हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और ये हमको मिलता किस में, मीट में और मिल्क में, ठीक है, मीट और दूध में हमको मिलता है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्फेगमोमीटर, ठीक है, स्फेगमोमीटर होता है इसका सही आंसर। अब बात आती है कि फेदोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो इससे हम लोग नापते हैं समुद्र की गहराई, और एनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं क्या, हवा की गति, और स्फेरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, इससे नापते हैं हम लोग किसी सतह की वक्रता को। इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन से याद हो जानी चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा इसका आंसर रदरफोर्ड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। बात की जाए रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ये की थी लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी, ठीक है। रक्त समूह की बात होगी तो लैंडस्टीनर, और रक्त परिवहन की बात होगी तो विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, किसकी स्टडी को कहा जाता है, तो गुर्दों के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद हो जानी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइटोलॉजी, इतना भी आपको याद कर लेना है। इसका प्रिंसिपल तो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, और इसकी स्टडी क्या कहलाती है, इसकी स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, किस प्रिंसिपल पर आधारित है परमाणु बम। तो ये आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन बम की, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो ये आधारित होता है नाभिकीय
संलयन पर, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न पर होता है परमाणु बम और न्यूक्लियर फिजन पर होता है आपका हाइड्रोजन बम, ठीक है, वाइस वर्सा हो जाता है। बेसिकली आपको क्या याद रख लेना है कि नाभिकीय विखंडन परमाणु बम और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? यह कहलाती है बेसक्टॉमी, ठीक है, बेसक्टॉमी होती है पुरुषों की नसबंदी, और अगर बात की जाए महिलाओं की नसबंदी तो ये कहलाती है ट्यूबोक्टॉमी, ठीक है, ट्यूबेकोटॉमी। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और एक चीज़ और, डेमोग्राफी का क्या होता है मतलब? तो डेमोग्राफी किस चीज़ का अध्ययन को कहलाती है? देखिए, डेमो मतलब होता है पीपल, यानी जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। इस क्वेश्चन से आपको तीन चीज़ें याद कर लेनी है, पुरुषों की नसबंदी ऑप्शन ए, महिलाओं की नसबंदी ऑप्शन बी हो जाएगा, और जो अध्ययन जनसंख्या का अध्ययन होता है वो कहलाता है डेमोग्राफी। प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? आसान प्रश्न है, आपको पता होगा इसका आंसर, इसका आंसर है लैक्टोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है आपका हाइग्रोमीटर से। हाइग्रो और हाइड्रो में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो से हम लोग किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, और हाइग्रो में होता है वायुमंडल की आर्द्रता। कन्फ्यूज मत होइएगा दोनों क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो वो विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है ये होता है विटामिन सी। अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग याद कर लीजिए, ये होता है रेटिनॉल, ठीक है। प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक होता है वो होता है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम का, ठीक है, 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क। प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए, इस वीडियो में अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी आप लोग याद कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क में होती है कि इसका जो आकार होता है ये मटर के दाने के समान होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल भी करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? ठीक है, बाइल की बात हो रही है, बाइल, पित्त को बाइल बोलते हैं इंग्लिश में। तो कौन सा मानव शरीर का अंग है जो पित्त उत्पन्न करता है? तो जो पित्त उत्पन्न करता है वो है यकृत, इसको इंग्लिश में हम लोग लीवर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बाइल है यानी कि जो पित्त है वो स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, तो निकलता तो यह यकृत से, बट ये स्टोर कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पित्ताशय और यकृत में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उत्पन्न करता है यकृत, और ये स्टोर कहाँ पर होता है? ये होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। बात हो रही है किसकी? पित्त की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता है 7.4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक हो। हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस होता है जो कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, हीमोग्लोबिन, ठीक है। प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मापक क्या है?
ज्योति तीव्रता का मापक क्या है, इसका आंसर आपको बताना है, तो ये है कैडला। ठीक है, बात आती है केल्विन, तो किसका है मात्रक, ये होता है ताप का। और इतनी चीज़ें आपको याद कर लें। डेसिबल आपको पता ही है, ध्वनि का मात्रक होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, आसान प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, बात की जाए कोशिका की, तो ये होता है आपका, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ये होगा लाइसोसोम, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा हीरा, डायमंड। प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, अगर हम लोग बात करें बॉडी टू हार्ट, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है शिरा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो रही है बॉडी टू हार्ट, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपको पता है, ये कहलाती है शिरा। अगर ये जस्ट उल्टा हो जाए, यानी कि हार्ट टू बॉडी, ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन इसमें रख ले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका धमनी। ठीक है, तब हो जाएगा आंसर धमनी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।